चैप्टर पॉइंट 1.8 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर पॉइंट 1.8 हम लोग देख रहे हैं, क्लास 5 का ईबीएस, इसका नाम है वर्क। कह रहा है यहाँ पे कि क्लीन वर्क एंड डर्टी वर्क, दो तरह के वर्क के बारे में बता रहा है। एक क्लीन वर्क है और दूसरा क्या है, डर्टी वर्क है। दो तरह के काम है, एक क्लीन वर्क है और दूसरा डर्टी वर्क है। कह रहा है कि पीपुल वर्क ऑन डिफरेंट पोस्ट, पीपुल क्या करते हैं, वर्क ऑन डिफरेंट पोस्ट, पीपुल जो है डिफरेंट पोस्ट पे वर्क करते हैं। पीपुल वर्क ऑन डिफरेंट पोस्ट, पीपुल क्या करते हैं, दो डिफरेंट पोस्ट पे काम करते हैं। कह रहा है कि एट ए डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पे, एट डिफरेंट प्लेस, कहाँ कहाँ पे, एट डिफरेंट प्लेस। कह रहा है कि इन ए डिफरेंट ऑक्यूपेशन, इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग जो है जॉब वो करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा, ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा। तो ये इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो ये क्या क्या डिफरेंट ऑक्यूपेशन ये हो रहा है। कह रहा है कि ये फार्मर के रूप में काम कर रहा है। पीपुल जो है किसके किसके जैसा काम कर रहा है, ये फार्मर के जैसा काम कर रहा है, ये फार्मर का काम कर रहा है, या पेंटर का काम कर रहा है, या कारपेंटर का काम कर रहा है, ग्रोसर का काम कर रहा है। ग्रोसर मतलब क्या है, जो दाल भात सब्जी देता है ना, जो चावल गेहूं बेचता है उसको ग्रोसर बोलते हैं, और ग्रीन ग्रोसर माने जो सब्जी बेचता है उसको ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर का भी काम करता है आदमी, डॉक्टर का काम करता है, नर्स का काम करता है, स्वीपर का भी काम करता है, जो झाड़ू उड़ू देता है उसको स्वीपर बोलते हैं, ठीक है। तो कर रहा है कि स्वीपर आर द वर्किंग मैन, ये क्या है, ये वर्किंग मैन है, ये लोग काम करते हैं, वर्किंग मैन। आगे बता रहा है कि इफ वी मेक ए सर्वे, फोटो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए, मेरा फोटो आ रहा है, अच्छा चलिए। कह रहा है कि ये कह रहा है कि इफ वी मेक ए सर्वे फ्रॉम पीपुल नियर बाय योर होम, कह रहा है कि हम लोग सर्वे करेंगे, क्या करेंगे, सर्वे करेंगे फ्रॉम पीपुल नियर योर हाउस, कह रहा है कि हमारे घर के आसपास जो है वहाँ करेंगे। अबाउट द रीजन्स, कह रहा है कि अबाउट द रीज़न फॉर डूइंग, कह रहा है कि क्या रीज़न है, अबाउट द रीज़न फॉर डूइंग, क्या रीज़न है कि ये काम कर रहे हैं, बाई फॉर डूइंग डूइंग वर्क, क्या रीज़न है ये वो काम करते हैं, क्या काम क्यों करते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम विल से, सारे लोग क्या कहेंगे, सारे लोग क्या कहेंगे, सॉरी, वो कहेंगे कि दे वर्क टू अर्न मनी, वो क्या कहेंगे, दे वर्क टू अर्न मनी, वो कहेंगे कि पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो कहेंगे दे वर्क टू अर्न मनी, वो क्यों काम कर रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके हाँ ये इसके अलावा जो है और क्या कहेंगे, ए फ्यू पीपुल से दैट, कुछ लोग कहेंगे कि दे वर्क टू स्पेंड टाइम, कुछ लोग कहेंगे दे वर्क टू स्पेंड टाइम, वो समय बिताने के लिए वो काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कहेंगे कि समय बिताने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, वेदर एज सम पीपुल से दैट, कुछ लोग क्या कहेंगे, वेदर एज सम पीपुल से दैट दे वर्क फॉर, वो क्यों काम कर रहे हैं, दे वर्क फॉर सोसाइटी, वो कहेंगे कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, दे वर्क फॉर सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं,
वॉट एवर मे बी द रीजन, कह रहा है कि चाहे जो भी कारण हो, वॉट एवर मे बी द रीजन, चाहे जो भी कारण है, वॉट एवर मे बी द रीजन ऑफ वर्किंग, चाहे काम करने का जो भी रीजन है, बट इट मेक्स देयर लाइफ कम्फर्टेबल, ये क्या कर रहा है, इट मेक्स देयर लाइफ कम्फर्टेबल, इट मेक्स देयर लाइफ कम्फर्टेबल, ये लाइफ को क्या बना रहा है, कम्फर्टेबल बना रहा है, सुविधाजनक बना रहा है। ये हम लोग डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम में क्या कर रहा है किसान, किसान जो है अपना खाद डाल रहा है, और यहाँ पे जो है ये क्या दिखा रहा है, ये पेंटर, ये पेंट बना रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये डॉक्टर क्या कर रहा है, बच्चे का इलाज कर रहा है डॉक्टर। इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कारपेंटर क्या कर रहा है, कारपेंटर जो है अपना लकड़ी का सामान बना रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नर्स है, बहुत सारी नर्स है। यहाँ पे स्वीपर है, सफाई कर रहा है। इसके अलावा क्या है, ये ग्रीन ग्रॉसर है, ये ग्रीन ग्रॉसर है, सब्जी बेच रहा है। कह रहा है ऑल टाइप ऑफ वर्क आर इम्पॉर्टेंट, ये क्या बता रहा है, बोल रहा है कि ऑल टाइप ऑफ वर्क आर इम्पॉर्टेंट, हर तरह का काम जो है क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड एवरी प्रोफेशन एंड जॉब, कह रहा है कि हर प्रोफेशन और जॉब जो है शुड बी, कह रहा है कि एवरी प्रोफेशन एंड जॉब शुड बी रिस्पेक्टेड, सभी का आदर करना चाहिए, शुड बी रिस्पेक्टेड, सबका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कह रहा है कि दिस इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सम्मान हम लोग को सबका करना चाहिए। कह रहा है आगे बता रहा है कि वी इफ वी हैट और डिसरिस्पेक्ट, अगर हम लोग जो हैं अपना माइक जो है, आप लोग माइक अपना आप लोग ऑफ कर लीजिए, ठीक है, माइक ऑफ नहीं कीजिएगा तो सबको हम आउट कर देंगे, यहाँ से आउट कर देंगे सबको। इफ़ वी हैट और डिसरिस्पेक्ट एनी प्रोफेशन, कह रहा है कि अगर किसी प्रोफेशन को हम लोग हैट कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, या डिसरिस्पेक्ट उसका आदर नहीं कर रहे हैं, तो दैट कर रहा है लेड टू सोशल इनजस्टिस, ये जो है सोशल इनजस्टिस होगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा, इसलिए हम लोग को सबका आदर करना चाहिए। इट्स शुड बी अवॉइडेड, इस तरह की चीज़ों का त्याग करना चाहिए, करा कि इन दिस वे, इस तरह से वर्क और पीपुल कैन नेवर बी, जो भी वर्क है या पीपुल है, कैन नेवर बी डर्टी, इट शुड बी अवॉइडेड इन दिस वे, वर्क और पीपुल कैन नेवर बी डर्टी, कोई काम या आदमी जो है डर्टी नहीं होता है, ये जो है लिखा हुआ है, कोई काम और आदमी डर्टी नहीं होता है। सो वी शुड इनकरेज, हम लोग को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वी शुड इनकरेज द वर्क टू एंजॉय हिज वर्क, हम लोग को इनकरेज द वर्क टू एंजॉय हिज वर्क, हम लोग को इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज करने से क्या होगा, वो इन्जॉय करेंगे। अभी हम लोग पेज नंबर 35 देख रहे थे, अब नेक्स्ट में जो है हम लोग 35 के अलावा जो है 36 देखने की कोशिश करेंगे। तो 36 नंबर, ये 35 पेज है, और जो है ये 36 हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 36 ये आ गया, अब हम लोग 36 को देखेंगे क्या लिख रहा है ये।
36 में हम लोग देखेंगे किसी ने फोटो भेजा है, बढ़िया फोटो खींच के नहीं भेजा है, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ स्वीपर डजंट रिमूव द गार्बेज, अगर स्वीपर जो है गार्बेज, इफ़ द स्वीपर डजंट रिमूव द गार्बेज, गार्बेज मतलब कचड़ा, अगर स्वीपर जो है डजंट रिमूव द गार्बेज, अगर वो कचड़ा नहीं हटाता है फ्रॉम द स्ट्रीट, जो हमारे रास्ते हैं फ्रॉम द स्ट्रीट और होम, अगर होम से या रास्ते से, स्ट्रीट मतलब रास्ता और होम जो है हम लोग का घर, वो तो जानते ही हैं, अगर स्वीपर जो है स्ट्रीट और होम से नहीं हटाएगा, एंड इन हाइजीन, क्या कर रहा है, एंड इन हाइजीनिक, गंदगी जो है वहाँ पे फैल जाएगी, एंड इन हाइजीन एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड, वहाँ गंदा का माहौल क्रिएट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, गंदगी वाला माहौल क्रिएट वहाँ पे हो जाएगा। आगे बता रहा है कि इफ कोबलर डज नॉट मेंड, ये जो बता रहा है इफ कोबलर, कोबलर के बारे में, डज नॉट मेंड शूज, ये जो मोची है, अगर जूता हम लोग का नहीं बनाए तो क्या होगा, टूटा हुआ जूता ही पहनना पड़ेगा हम लोग को, कोबलर डज नॉट मेड शूज, अगर वो शूज नहीं बनाएगा तो क्या होगा, टूटा हुआ जूता ही पहनना पड़ेगा हम लोग को। वन मे फील डिस्कम्फर्ट, हम लोग को क्या होगा, वन मे फील डिस्कम्फर्ट, हम लोग को डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट मतलब परेशानी हो जाएगा। आप लोग अपना अपना माइक को जल्दी से म्यूट कर लीजिए, नहीं म्यूट कीजिएगा तो फिर हमको है आउट करना पड़ेगा। अब आगे देख रहे हैं हम लोग, महात्मा गांधी सेड दैट, महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी सेड दैट, क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी सेड दैट वर्क इज, महात्मा गांधी ने क्या कहा, वर्क इज अ वर्कशिप, कार्य ही पूजा है, महात्मा गांधी ने कहा कि वर्क इज वर्कशिप, कार्य ही पूजा है, और इन्होंने क्या कहा, नो वर्क इज हाई एंड लो, उन्होंने कहा, क्या कहा, नो वर्क इज हाई एंड लो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं जो है, वह स्वयं बता रहा है कि स्वेप्ट द रूम, वो अपना रूम साफ करते थे, स्वेप्ट द रूम, एंड और क्या करते थे वो, क्लीन द टॉयलेट, क्लीन द टॉयलेट, अपने टॉयलेट को भी अपने से ही साफ करते थे, क्लीन द टॉयलेट, वह अपना रूम और अपने टॉयलेट को खुद ही साफ करते थे। ही इंसिस्टेड, वो जोर देते थे, ही इंसिस्टेड वह जोर देते थे, टू इंक्लूड, समाहित करने के लिए, क्या समाहित करने के लिए, ऑल काइंड ऑफ लेबर, ऑल काइंड ऑफ लेबर, जितने तरह के मजदूर है, इन स्कूल करिकुलम, वो बोलते थे कि स्कूल के पढ़ाई में सारे तरह के वर्क को समाहित होना चाहिए, स्कूल करिकुलम, करिकुलम मतलब सिलेबस है, पढ़ाई है स्कूल का, करिकुलम स्कूल के पढ़ाई में सबको सम्मिलित होना चाहिए। माइक को म्यूट कर दीजिए सारे लोग। कह रहा है कि सो दैट स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट, इसलिए कि स्टूडेंट जो हैं शुड रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट करेंगे, सो दैट स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट, स्टूडेंट जो है रिस्पेक्ट करेंगे, क्या रिस्पेक्ट करेंगे, ऑल टाइप ऑफ वर्क, सभी तरह के काम को स्टूडेंट जो है ये रिस्पेक्ट करेंगे, एंड रिमूव्स, एंड रिमूव्स, क्या रिमूव्स, एंड रिमूव्स डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव वो रिमूव करेंगे, भेदभाव छोटा बड़ा नहीं, सबको बराबर समझने का।
अब ये बता रहा है कि यू हैव डेवलप्ड ए सेंस, कह रहा है इफ यू हैव डेवलप्ड ए सेंस, कह रहा है कि अगर आपको समझदारी आ गई है, यू हैव डेवलप्ड ए सेंस, इफ यू हैव डेवलप्ड ए सेंस, कह रहा है कि अगर आपको समझदारी आ गई है, डेवलप्ड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, अपनी जिम्मेवारी की समझदारी आ गई है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी, तो कह रहा है कि चेक योर सेल्फ, कह रहा है कि अपने आप को चेक कीजिए, योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करने के लिए ये बता रहा है। कह रहा है कि यू आर डूइंग योर वर्क, कह रहा है कि आप जो है, यू आर डूइंग योर वर्क, आप अपना काम कर रहे हैं, विथ प्राइड, पूरे आत्मसम्मान के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, एंड डिग्निटी, पूरे आप अपने गर्व और सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, प्राइड, गर्व, डिग्निटी, सम्मान। तो इसके बाद जो है ये बता रहा है, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, आप अपने आप में विश्वास कर रहे हैं, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, आप अपने आप में विश्वास कर रहे हैं, यू हैव इनकरेज द पीपुल, आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हु आर एसेम्ड ऑफ देयर वर्क, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, हु आर एसेम्ड ऑफ देयर वर्क, जो अपने काम से लज्जित रहते हैं उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, आर एसेम्ड ऑफ देयर वर्क, एसेम्ड मतलब जो लज्जित होते हैं अपने काम से उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये है क्या है, ये है ब्लो हॉट, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, ये ब्लो हॉट एंड ब्लो, हाँ ये आगे हम लोग देख रहे हैं क्या इसका मीनिंग आ रहा है। कह रहा है कि व्हेन रन वी नीड, व्हेन वी रन ना वी नीड मोर एनर्जी, आगे देख रहे हैं आपका पता चलेगा। सांस लेते हैं ना हम लोग, तो सांस कभी कभी ठंडा हवा लेते हैं, कभी गर्म हवा लेते हैं, जैसे देखिए क्या है कि वी व्हेन वी रन, जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या सांस तेज लेते हैं कि धीरे लेते हैं, व्हेन वी रन ना, जब हम लोग दौड़ते हैं तो सांस तेज लेते हैं या आस्ते लेते हैं, दौड़ते हैं तेज होता है, ठीक है। वी नीड मोर एनर्जी, उस समय क्या चाहिए हम लोग, मोर एनर्जी चाहिए, जब दौड़ते हैं हम लोग बहुत ताकत चाहिए, ये कह रहा है कि वी गेट, टू गेट, कह रहा है कि टू गेट पाने के लिए, क्या चीज़, टू गेट ए मोर एनर्जी, कह रहा है कि मोर एनर्जी पाने के लिए, वी इनहेल्स, हम लोग सांस लेते हैं जोर से सांस लेते हैं, एंड एक्सहेल, जोर से सांस छोड़ते भी हैं, जब दौड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सांस तेज लेते हैं, इनहेल, और सांस तेज भी छोड़ते हैं, एक्सेल एयर, एक्सेल एयर हम लोग करते हैं। ये जो है कह रहा है रैपिडली, जो सांस लेना और छोड़ना है ये रैपिडली हम लोग तेजी से करते हैं, सांस लेना और छोड़ना क्या करते हैं, तेजी से करते हैं। आगे बता रहा है ये कि इनहेलेशन, टेकिंग एयर इज इनहेलेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, सांस लेना को इनहेलेशन, और जब गिव आउट, जब सांस छोड़ते हैं हम लोग, गिव आउट इज, जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, उसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, हम लोग दो काम करते हैं, एक इनहेलेशन करते हैं सांस लेते हैं, और एक्सहेलेशन करते हैं सांस छोड़ते हैं, दो काम करते हैं, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, ये दो काम करते हैं हम लोग को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो करते हैं ये दोनों को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। माइक जिसका ऑफ है, ऑन है, उसको ऑफ कीजिए, माइक को ऑफ कर दीजिए जल्दी से तुरंत, जल्दी से तुरंत ऑफ कर दीजिए माइक को। ये कह रहा है आगे, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग बट ऑल द लिविंग बींग्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड,
कह रहा है कि सारा जो है मनुष्य के अलावा भी, ये कह रहा है कि ह्यूमन के अलावा भी सभी जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन वी ब्रीथ, कह रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, ब्रीथ ब्रीथ बोलते हैं इसको, ठीक है। एयर इंटर थ्रू नोज और माउस, एयर कहाँ से जाता है, नोज से जाता है या माउस से जाता है। अ गेट वार्म्ड अप, और हवा गर्म होता है थोड़ा, और रीचेस पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, इनटू द लंग, लंग में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, थ्रू विंड विंड पाइप, विंड पाइप के थ्रू पहुंचता है। कह रहा है कि देयर आर टू लंग्स, हम लोगों में कितने लंग्स हैं, दो लंग्स हैं, कहाँ पे है, इनसाइड चेस्ट कैविटी, कहाँ पे है ये, चेस्ट कैविटी में, एंड प्रोटेक्टेड बाई, और क्या चीज़ से ये प्रोटेक्ट होता है, ये प्रोटेक्ट क्या चीज़ से होता है, हम लोग आगे पेज में देखेंगे। यहाँ हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये एयर इन हो रहा है, एयर क्या हो रहा है, एक एक में एयर इन हो रहा है, भीतर जा रहा है एयर, और एक में एयर आउट हो रहा है। जो एयर इन जाता है उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, और जो हवा जो है बाहर आता है, जो हवा बाहर आता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, डाइऑक्साइड कहते हैं। एक बार दोबारा आग्रह है कि माइक को बंद कीजिए, आवाज़ आ रही है, नहीं तो मैं आपको आउट कर दूंगा अगर माइक आप नहीं बंद कीजिएगा तो। तो ये हम लोग देखें 36 पेज के बारे में देखें, अब हम लोग जो है दूसरे पेज के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। ये 35 हो गया, ये 36 हो गया। यहाँ पे एक और डायग्राम है, इसको हम लोग देखते हैं, ये डायग्राम, ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, हम लोग देखे नहीं थे। यहाँ पे जो है सांस लेते हैं हम लोग, किसके थ्रू सांस लेते हैं, ये देखिए लंग का डायग्राम है, कितना लंग है हम लोगों में, दो लंग है, एक लंग ये है, दूसरा लंग ये है, दो लंग है, कितना लंग है हम लोगों में, दो लंग है, ये पहला लंग है, ये दूसरा लंग है। ये साइनस होता है हमारे जो है, यहाँ पे नाक के आसपास साइनस होता है, ये थ्रोट है, थ्रोट, और ये पाइप जिससे सांस जाता है भीतर, ये आपका दोनों लंग में चला जाता है, ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं, लैरिंग्स, लैरिंग्स है ये ट्रैकिया है, ये पाइप जो है ट्रैकिया है, और ये लैरिंग्स है, इससे आवाज़ निकलती है हम लोग को। ये लैरिंग्स जाके ये ब्रोंकियल ट्यूब बनाता है, लैरिंग्स लंग में ब्रोंकियल ट्यूब बनाता है, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, उसी में हवा आता है और जाता है। ये डायग्राम आप लोग आज बना के भेजिएगा, जो बढ़िया डायग्राम बनाएंगे उसको 5 में 5 नंबर देंगे, कितना नंबर देंगे हम, 5 में 5 नंबर देंगे। हाँ नहीं नहीं ये वाला, ये वाला, ये वाला जो डायग्राम बनाइएगा, एयर इन और आउट बनाइएगा, हाँ ये अगर बनाइएगा दोनों, तो दोनों मिला के 5 5 5 नंबर देंगे, दोनों मिला के ये बनाइएगा तो दोनों मिला के 5 नंबर, और ये अकेले बनाइएगा तो इसी में अकेले में ही 5 में 5 देंगे हम, तो आप देख लीजिएगा कि आपको दोनों बनाइएगा तब 10 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद ये पेज नंबर 36 है, और पेज नंबर अब हम लोग 37 के बारे में देखते हैं कहाँ है, पेज नंबर 37 को खोजते हैं हम लोग, पेज नंबर 37, ये मिल नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है, नहीं अभी देखते हैं क्या है, ये 37 पेज को हम खोज रहे हैं, ये मिल गया 37 पेज, 37 पेज मिल गया। अब हम लोग, हमको थोड़ा रीड करने दीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। ये बता रहा है कि रीब कैप होता है हम लोग के लंग के ऊपर, क्या होता है, रीब कैप होता है लंग के ऊपर, रीब कैप होता है, रीब कैप का क्या काम होता है, लंग को ये प्रोटेक्ट करता है। कह रहा है कि फ्रॉम लंग, कह रहा है कि लंग से क्या होता है, ऑक्सीजन इज पिक पिक्ड पिक्ड अप,
ऑक्सीजन जो है लिया जाता है लंग से, क्या है, ऑक्सीजन इज पिक्ड अप फ्रॉम लंग, ये बता रहा है कि फ्रॉम लंग ऑक्सीजन इज पिक्ड अप बाय ब्लड, ब्लड में ले लिया जाता है, लंग में कहाँ लिया जाता है ब्लड, लंग से ब्लड में आ जाता है, लंग से ब्लड, एंड रीचेज अप टू ईच सेल, और हमारे बॉडी के हर सेल में चला जाता है, ब्लड कहाँ जाता है, हर सेल में चला जाता है, और जाने के बाद जो है वहाँ पे फिर आर्टरीज में भी चला जाता है। कह रहा है कि आफ्टर वार्ड ब्लड लीव ऑक्सीजन, वहाँ ब्लड जाके जो है ना हर सेल में ऑक्सीजन देता है और वहाँ से पिकअप करता है, क्या पिकअप करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करता है हर सेल से, फ्रॉम द सेल साइट, सारे सेल से लेता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कम बैक आता है, कम बैक इनटू द लंग, लंग में वो फिर आता है, ये लंग में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एक्सहेल्ड आउट, ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सहेल्ड आउट, एक्सहेल्ड थ्रू थ्रू द नोज, लंग से होते हुए एक्सहेल्ड थ्रू द नोज, नाक से बाहर निकल जाता है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग कराए कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं हम लोग, डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑन काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्या कर रहे हैं हम लोग, काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्या कर रहे हैं हम लोग, काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो रहे हैं हम लोग कि दौड़ रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं कि मारा मारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दौड़ेंगे तब ज़्यादा सांस लेंगे, बैठेंगे तो कम सांस लेंगे, काइंड ऑफ एक्टिविटी के ऊपर सांस लेना और छोड़ना डिपेंड करता है। आगे बता रहा है ये कि ईच एक्टिविटी रिक्वायर एनर्जी, जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, ईच एक्टिविटी रिक्वायर एनर्जी, हर एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए, हर एक्टिविटी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हर एक्टिविटी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ईच एक्टिविटी रिक्वायर एनर्जी, यहाँ बता रहा है कि ईच एक्टिविटी जो है, ईच एक्टिविटी रिक्वायर एनर्जी, हर एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उससे आ रहा है। कह रहा है कि रेस्ट एंड स्लीप, ये अगर रेस्ट हम लोग कर रहे हैं या स्लीप सो रहे हैं, ये रिक्वायर लेस एनर्जी, यहाँ पे क्या एनर्जी चाहिए, अगर रेस्ट करेंगे या स्लीप करेंगे तो कम एनर्जी चाहिए हम लोग को, रिक्वायर लेस एनर्जी, ये देखिए लिखा है लेस एनर्जी। कह रहा है कि वाइल डूइंग एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वी नीड मोर एनर्जी, क्या कर रहा है, वी नीड मोर एनर्जी, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, वी नीड मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आगे बता रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तब जो है एनर्जी मिलेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो एनर्जी मिलेगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। कह रहा है कि अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी जो है क्या चीज़ की अवेलेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, इंक्रीजेस द हार्ट बीट, अगर ज़्यादा अगर चाहिए तो उसके लिए हार्ट बीट जो है, देखिएगा कि दौड़िएगा तो धड़ 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 हार्ट बीट हो जाता है। अब बता रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट, कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हार्ट बीट, हार्ट जो है बीट करता है, इन अ 1 मिनट, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो यह हार्ट जो है 70 से 80 बार बीट करता है, एक बार में कितनी बार बीट करता है, 70 से 80 बार करता है, ये क्या करता है, कह रहा है कि पल्स रेट इन नॉर्मल ह्यूमन, पल्स रेट जो है नॉर्मल ह्यूमन इज 70 to 80 पर मिनट, हार्ट रेट जो है हम लोग का पर मिनट कितना है, 70 से 80 है। आगे बता रहा है कि हार्ट बीट इज मेजर्ड बाई, ये हार्ट बीट को कैसे नापा जाता है, मेजर्ड बाई स्टीथोस्कोप, ये जो मशीन होता है
इसको एस्टीथोस्कोप, एस्टीथोस्कोप कहते हैं। कह रहा है कि एस्टीथोस्कोप जो है, एस्टीथोस्कोप प्रोड्यूस साउंड। प्रोड्यूस साउंड ऑफ आवर, ये क्या कर रहा है कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या इसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ये हार्ट बीट का कर रहा है, हार्ट बीट का ये साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। कह रहा है कि बाय लिसनिंग हार्ट साउंड, जो है हार्ट साउंड को लिसन करते हुए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर टेल अबाउट, डॉक्टर आपको बताते हैं, डॉक्टर टेल अबाउट वेलनेस, आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, आपके वेलनेस को बताता है। वेलनेस ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं उसके बारे में ये बताता है, वेलनेस ऑफ पर्सन। और फिर आगे ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि ब्लोइंग हार्ड और बर्निंग पीस ऑफ वुड। कह रहा है कि ब्लोइंग जो है हार्ड ऑन बर्निंग पीस ऑफ वुड, ये जो है पीस ऑफ वुड जो है बर्न कर रहा है, हेल्प फायर, ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्या चीज़ में हेल्प करता है, फायर टू बर्न बेटर, जो है बढ़िया से जले इसलिए उसको हवा मिलनी चाहिए। कह रहा है कि वार्म एयर, कह रहा है कि वार्म एयर गर्म हवा, गर्म हवा जो है ये, गर्म हवा जो है वार्म एयर जो है ये बता रहा है कि वार्म एयर क्या है, बाई ब्रीदिंग आउट, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसे गर्म, ब्रीदिंग आउट गर्म हवा आता है। वाइल वाइड ओपनिंग माउथ, जो है हम लोग मुंह से जो है हवा छोड़ते हैं वो गर्म होती है। कह रहा है इट इज़ डन ड्यूरिंग विंटर, इट इज़ डन ड्यूरिंग विंटर टू वार्म आवर। कह रहा है कब, इट इज़ डन कब होता है ये, ड्यूरिंग विंटर ठंडा में, टू वार्म आवर, टू वार्म आवर क्या वार्म करते हैं हम लोग, वार्म आवर हैंड, हम लोग अपने हाथ को गर्म करते हैं। कह रहा है कि दिस एयर कॉन्टेन वाटर वेपर, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर। कह रहा है कि दैट इज़ वाई एयर लुक्स फॉगी, जो ठंडा के समय मुंह से हम लोग का वाष्प निकलता है वो फॉग जैसा ये दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग, करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है, कैसे हम लोग को सांस लेना चाहिए। कह रहा है कि ब्रीथ थ्रू नोज, नोज से हम लोग को सांस लेना चाहिए, नॉट थ्रू माउथ, माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए। यहाँ बता रहा है कि कैसे, करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग, कैसे सांस लेना चाहिए हम लोग को। कह रहा है कि नोज से सांस लेना चाहिए, माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए, ये बता रहा है, ब्रीद थ्रू नोज एंड नॉट फ्रॉम माउथ। कह रहा है नेवर स्लीप विथ फेस कवर्ड, चेहरा को ढक के नहीं सोना चाहिए, फेस को कवर्ड करके नहीं सोना चाहिए। आगे बता रहा है प्रैक्टिस योगा, योगा करना चाहिए और प्राणायाम, प्राणायाम हम लोग को करना चाहिए, गैस का स्मेल दिखाई दे रहा है। और प्ले इन ओपन स्पेस, कहाँ खेलना चाहिए हम लोग को, ओपन स्पेस में खेलना चाहिए, ये ओपन स्पेस, ये देखिए यहाँ पे फोटो है, बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राणायाम कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्राणायाम, यहाँ पे प्राणायाम बच्चे कर रहे हैं। और ब्रीदिंग जो है थ्रू नोज, नोज के थ्रू ये नाक से सांस लेना चाहिए। और जब भी हम लोग सोए हैं, स्लीपिंग विथ अनकवर्ड फेस, फेस को जो है ये कवर्ड नहीं रखना है, फेस को ये कवर्ड नहीं रखना है जब भी हम लोग सोएंगे। तो ये पेज नंबर 37 हो गया, पेज नंबर 37 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कोई पेज है क्या, पेज इसके बाद 37 के बाद 38 पेज है, 38 पेज हम लोग का, 38 पेज नहीं है, ये 35 हो गया, 35 हो गया,
इसके बाद कोई पेज नहीं दिख रहा है। अच्छा तो ये जो है, हाँ तो ये लग रहा है कि चैप्टर ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे।